हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कोई रिलेशन में होगे तो आपको पता होगा कि एक रिलेशन को बनाना और उसे मेंटेन करना, उसे के रिलेशन में मजबूती बनाने रखना बहुत ही अहम होता है। क्योंकि अगर आप अपने रिलेशन चलाते रहो लेकिन उसको अच्छी तरह से चला नहीं रहे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से डिप्रेस होते हो, आप क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अपना रिलेशन और अच्छी तरह से कैसे बनाए, अपने दोनों के बीच में जो नजदीकियां है वो और कैसे आप ला सके। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है कि आप दोनों अपने रिलेशन में आप ईमानदारी होते हैं, सब कुछ चीजें ट्राई करते हो, लेकिन एक रिलेशन में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है उसके बहुत ज्यादा मायने होते हैं। आप अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ किस तरह से व्यवहार करते हो, किस तरह के उनके साथ बिहेव करते हो, आप अपना प्यार है किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, यही सारी चीजें पे डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा चलता है आगे तक। और रिलेशन को मजबूत बनाने का फायदा ये है कि जितना आपका रिलेशन अच्छा होगा, जितना आपका रिलेशन बढ़िया होगा, अच्छी तरह से ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, इस तरह से आप एक दूसरे पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकोगे और आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है कि आपने रिलेशन क्यों बनाए। क्योंकि कभी कभी खराब रिलेशन होता है वो आपको सिर्फ तकलीफें देता है, डिप्रेशन देता है। इससे अच्छा इंसान तो ये सोच लेता है कि इससे अच्छा तो कोई हमारा रिलेशन ही ना हो। तो रिलेशन को मजबूत बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने रिलेशन को किस तरह से मजबूत बना सकते हो। टिप्स नंबर वन, प्यार जताना कभी ना भूले। ये बहुत ही कहने में एक बहुत ही छोटी सी बात है, एक छोटी सी चीज है, लेकिन उतनी ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इसके बहुत अलग अलग तरीके हो। आप अपने जो पार्टनर होते हैं उसके साथ जब प्यार जताना चाहते हो तो आप उसे शायद आई लव यू बोल के अपना प्यार जताते हो, शायद आप उसको हग करते हो, और कम से कम लोग इतना तो करते हैं कि सुबह और शाम को उसको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का एक मैसेज करते हैं। ये एक रीत होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टाइल होती है जिस तरह से वो अपना प्यार अपने पार्टनर के साथ जताते हैं। तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कम से कम दिन में एक बार आपका उनके साथ कॉन्टेक्ट हो, कोई कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। किस भी तरह से आप अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करने नहीं चाहिए, और इस तरह से एक्सप्रेस करने चाहिए कि आपके पार्टनर को ये चीजें समझ में आए, वो आपकी ये जो प्यार का एहसास है उसको फील कर सके, उसको महसूस कर सके। आपका कोई भी फेवरेट तरीका है, लेकिन आपको प्यार ना जताना कभी भूलना नहीं चाहिए। टिप्स नंबर टू, पसंद और नापसंद को जाने। आपको पता है कि आप एक मजबूत रिलेशन बनाना चाहते हो, इसके लिए बहुत ही जरूरी होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ें होती है, आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेगी कि आपका पार्टनर क्या है, उनको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, उनको क्या चीज़ें करनी बुरी लगती है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ें होती है जो आपको करनी तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन आपके पार्टनर को वो बिल्कुल ही ना पसंद हो, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके पार्टनर को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। इसके लिए आपके रिलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप उस चीज़ों को एक साइड में लिस्ट करके अपने माइंड में बिठा लोगों कि मेरे को ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है। आपके हिसाब से तो वो चीजें गलत हो ही नहीं सकती, अच्छी भी होगी, लेकिन आपके पार्टनर के हिसाब से वो गलत होगी। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना होगा कि एटलीस्ट कभी भी आप इस रीजन से अपने पार्टनर को हर्ट ना करो और अपने रिलेशन में दूरियां ना बने। तो आपको इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि आपके पार्टनर को क्या चीजें अच्छी लगती है और क्या नहीं है, यानी कि उनकी पसंद और नापसंद क्या है। टिप्स नंबर थ्री, उनके नाम से पुकारे। आपने कहा होगा कि हर लोग उनको नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे नाम होते हैं अपने पार्टनर के लिए। आप उसको जानू वो सारी चीजें बोलते होंगे, लेकिन आप उनको अब सुख को ये चीजें अच्छी लगती होगी। लेकिन आपको मैं खास बात बताऊं कि ये कहने को तो बहुत ही मामूली चीज है कि आप उसको उनके नाम से बुलाओ, लेकिन जो इंसान चाहता है कि कोई मुझे प्यार करता है और वही इंसान आपको अपने नाम से बुलाता है तो वो फीलिंग्स होती है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही बढ़िया होगी। हमको ये सुनना बहुत ही अच्छा लगता है कि जो हमें प्यार करता है वो हमारा नाम लेके हमको पुकारता है। तो आपको भी ये चीज़ें याद रखना और आप ये ट्राई करना कि आप अपने पार्टनर को प्यार से उनका नाम लेकर पुकारते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है, ये एटलीस्ट देखना। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। मुझे पता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है तो आप उसे नाम से पुकारते हो तो उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। टिप्स नंबर फोर, एक दूसरे से जुड़े रहिए या कनेक्ट रहिए। आपको तो पता है कि किसी भी रिलेशन में, कोई भी संबंध में कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको भी अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहना पड़ता है, उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है। हो सकता है कि आप कितने भी बिजी हो, फिर भी आपको ऐसा कोई शेड्यूल बनाना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने पार्टनर को एक दिन में इतने बार टाइम दे सको या उनसे बात कर सको, मैसेज कर सको, किसी तरह से आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हो, आपके रिलेशन में अनरेगुलर कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे जो मजबूती है वो उतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ेगी, आपका रिलेशन इतना मजबूत नहीं बनेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आने जाने के बाद मन में कुछ डाउट हो जाते हैं, मन में कुछ प्रश्न उद्भव होते हैं,
कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, उसने ये मेरे साथ बात क्यों नहीं करा है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे डेली कनेक्ट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो अपने पार्टनर के साथ एटलीस्ट दिन में एक बार तो कम से कम बात करना ही चाहिए। टिप्स नंबर 5, खामोशी का सहारा ले। आपने कभी देखा होगा कि आप जब अपने पार्टनर के साथ बैठे होते हो और कहीं भी उसके मन में क्या चल रहा हो आपको पता नहीं है, शायद वो डिप्रेशन में है, शायद वो टेंशन में है, वो प्रेशर में है, वो कभी कभी कुछ बोलता नहीं है, वो बस ऐसे खामोश बैठ जाता है, तभी आप उनकी खामोशी का सहारा लो और उनके चेहरे को पढ़ने की ट्राई करो। ऑफकोर्स आप उसको प्यार करते हो तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे, बहुत कुछ वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पार्टनर है वो क्या है, उसकी क्या लाइफ है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के चेहरे में वो सारी चीजें देखने को मिलेगी, उनकी आंखों में साफ साफ झलकता होगा कि वो इस कौन से पड़ाव से जा रहा है, वो आपको कितना प्यार करता है। वो सारी चीजें हमें इंसान के आंखों में से पता चली जाते हैं, और हम जिस इंसान को प्यार करते हैं उसकी आंखें हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको ना पता होते हुए भी आपको उनके बारे में सब कुछ पता हो जाता है। तो जब भी वो खामोश होते हैं, जब भी वो ऐसे शांत बैठे होते हैं, तो उनकी खामोशी का सहारा लो, उनके चेहरे और उनको आंखों को पढ़ने की ट्राई करो। ये चीज है वो आपको अपने पार्टनर को समझने में बहुत ही आपको हेल्प करेगी और अपना रिलेशन होगा वो ज्यादा मजबूत बनेगा। टिप्स नंबर 6, उसकी परेशानी में साथ दो। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप अपना रिलेशन मजबूत बनाना चाहते हैं। लोग रिलेशन क्यों बनाते हैं? अपनी हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि हम कभी प्रॉब्लम्स में होते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ बन सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तो जब भी आपका पार्टनर परेशानी में होता है, प्रॉब्लम्स में होता है, जब आपकी उनको जरूरत होती है, तभी आपको उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि रिलेशन आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि जब भी आप उनको आपकी जरूरत पड़े तब आपको वहां पे हाजिर होना चाहिए, और ऐसे टाइम पे आप उसकी मदद करते हो, आप उनके लिए कोई करते हो, अपना जो भी कुछ देते हो, तो उनके लिए बहुत ही मायने बन जाते हैं कि आप उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल बन जाते हो। वो आपको एक स्थान दे देते हैं कि वो एक इंसान ऐसा है जो कि हर परेशानी में, हर प्रॉब्लम में आप उनका साथ देते हो। तो आपको ये चांस लेना चाहिए, जब भी वो प्रॉब्लम में हो, जब भी वो परेशानी में हो, तभी आपको उनका साथ देना चाहिए। टिप्स नंबर 7, अपने प्यार की भाषा को जाने। प्यार की भाषा क्या होती है? कई लोगों को प्यार ऐसा होता है कि बिल्कुल खामोश होता है, ना वो कुछ बोलता है, ना सामने से उसका पार्टनर बोलता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों आंखों में प्यार होता है। ये एक भाषा है प्यार की। हो सकता है आप अपने प्यार को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो सकता है आप अपने पार्टनर की हेल्प करके, आप अपने पार्टनर को मोटिवेट करके, किसी भी तरह से आप उनको प्यार करते हो, तो एक जरिया होता है, एक प्यार की भाषा होती है। तो आपको अपने रिलेशन में ये समझना चाहिए कि आपकी प्यार की भाषा क्या है, आपके प्रेम की भाषा क्या है। आपको लगता होगा कि आपका पार्टनर शायद आपको आई लव यू ना भी बोलता हो, लेकिन आपके लिए वो सारी चीजें करता है जो एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाला इंसान के साथ करता है। तो ये एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। तो ये तो एक सिंपल सी चीज होती है कि बहुत सारे लोग ये कह के बयां कर दे कि आई लव यू यानी कि मैं तेरे को प्यार करता हूँ, ये सिंपल सी चीज है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। आपकी प्रेम की क्या भाषा है ये आपको जाननी चाहिए, इसको पहचाननी चाहिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपका पार्टनर और आपका रिलेशन कैसा है, शायद वो मेरे को प्यार करता है कि नहीं करता, शायद ऐसी कंफ्यूजन आपके रिलेशन में कभी नहीं आएगी। टिप्स नंबर 8, अकेले कहीं चले जाइए। आप अपने पार्टनर के साथ किस तरह से अब तक व्यवहार करते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट उसके साथ दिन में 1 घंटे या 2 घंटे या मिनिमम आप उनके साथ बात तो करते होंगे, किसी ना किसी तरह से आप उनके साथ कनेक्ट रहते हैं। क्या इतना जरूरी है? आपको कभी कभी अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए, वेकेशन पे जाना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि आपको एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ साल में 4-5 बार तो इतनी बाहर ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ वहाँ पे आप दोनों ही हो, और 1 या 2 दिन पूरी तरह से आप इस एकलता को, इस प्योरिटी को अनुभव करें, क्योंकि जब आप दोनों अकेले होते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप एक दूसरे के बारे में ही जानते हो, पहचानते हो और ज़्यादा करीब आते हो। तो ऐसे टाइम को आपको क्रिएट करना चाहिए, अपने रिलेशन को ये मौके आपको देने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों जब अकेले होते हो तो आपका जो प्यार है वो अच्छी तरह से फूल सकता है, और आपका रिलेशन है इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस चीज़ से बहुत ही गहरा और मजबूत बनेगा। टिप्स नंबर 9, समझौता। कभी कभी रिलेशन में आपको समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि आपकी गलती ना हो, फिर भी आपका पार्टनर है उनके हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने को तैयार नहीं होता, उनको लगता है कि वो सही है, आपको लगता है कि आप सही है, लेकिन आपको यहाँ पे ये जानना चाहिए कि सही कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है। तो कभी कभी अपने रिलेशन को बचाने के लिए आपको समझौता भी कर लेना चाहिए। टिप्स नंबर 10,
झगड़े से बचे। कभी कभी ये होता है कि आपको किसी चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपका पार्टनर होगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होगा, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ अलग होगा। आप अपने हिसाब से सही होते हैं और आपका पार्टनर होता है वो अपने हिसाब से सही होता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिक खड़ा होता है। आपका पार्टनर आपको बोलता है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, और आप ही यही चाहते हो कि आपका पार्टनर है वो आपकी बात को समझने की कोशिश करे, तो आपको ऐसे झगड़े में बचने की जरूरत है। जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ध्यान से समझना चाहिए कि आपका पार्टनर कहना क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, उसकी बात को समझने की कोशिश करो। आपके प्रॉब्लम है वो वहाँ पे रख दो, आप उनकी बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि उनका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो भी अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता है, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो सही है, आपको वो चीज़ पकड़नी चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली, आपको समझ में आ गया कि आपके पार्टनर के हिसाब से ये चीज़ें किस तरह से सही है, तो आप आसानी से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो कौन सही है और कौन गलत है, और आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी उनकी बात समझते हो, आप उनकी बात सुन लेते हो, तो उनको समझ में आ जाता है कि आप अपने रिलेशन को कितना रिस्पेक्ट देते हो। तो आपको इस ऐसे झगड़े से बचने के लिए हमेशा अपने पार्टनर जो भी कहना चाहता है तो उनको सुनना चाहिए, और इस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ 10 टिप्स आपके रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए। आई होप आपको ये अच्छे लगे हैं और आप अपने रिलेशन में ये चीज़ें अप्लाई करोगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए। आप अपने रिलेशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें, और आप मेरा वीडियो चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफी हेल्पफुल होंगे। तो फिर मिलेंगे कल किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।